सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे नादानिया का फिंगर स्टाइल, और ये बहुत इजी और फन टू प्ले गाना है। तो आप लोग इसे इजीली सीख सकते हो और प्ले कर सकते हो। और मैंने इस गाने का पहले ही फिंगर स्टाइल कवर किया हुआ है, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो एक बार देख लेना। तो कैप रखना है आपको 7th फ्रेट पर, और इसको सीखने के बाद आप कैप को कहीं भी रख सकते हो। तो जो स्टार्टिंग का मेलोडी है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। इसके लिए आपको 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और फिर 3rd स्ट्रिंग ओपन 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। अब इसके बाद 5th स्ट्रिंग ओपन 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट एक साथ प्ले करना है, और फिर 2nd स्ट्रिंग ओपन 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट और स्लैप। अब इसके बाद 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट और 1st स्ट्रिंग ओपन एक साथ प्ले करना है। अब इसके बाद 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग ओपन 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट और फिर स्लैप। अब इसके बाद 1st स्ट्रिंग ओपन। अब आपको इसके बाद 6th स्ट्रिंग ओपन 3rd स्ट्रिंग ओपन और 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट एक साथ प्ले करना है, और फिर से 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट 3 बार प्ले करना है, और फिर चौथी बार में आप इसको स्लैप करके प्ले करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट से 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट टाइमर रन करना है। इसके बाद 6th स्ट्रिंग 1st फ्रेट 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट 1st स्ट्रिंग ओपन एक साथ प्ले करना है, और फिर 2nd स्ट्रिंग ओपन 2 बार और स्लैप, और फिर 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। इसके बाद आपको सेम यही रिपीट करना है, पर पूरा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। कहां तक रिपीट करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां तक रिपीट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 6th स्ट्रिंग ओपन 3rd स्ट्रिंग ओपन और 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट एक साथ प्ले करना है, और फिर 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट 2 बार, और फिर इसके बाद स्लैप करके 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट प्ले करना है, फिर 2nd स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। इसके बाद 6th स्ट्रिंग 1st फ्रेट 4th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट और फिर 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट एक साथ प्ले करना है, ठीक है। अब हमारा ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार मैं आपको ये पार्ट भी प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद का जो मेलोडी पार्ट है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। अब इसके लिए आपको 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट से पुल ऑफ करना है। इसके बाद 5th स्ट्रिंग ओपन 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट एक साथ प्ले करना है, और फिर स्लैप करके 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट प्ले करना है। अब इसके बाद आपको 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग ओपन 2nd स्ट्रिंग ओपन एक साथ प्ले करना है, और फिर आपको स्लैप करके
थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट से पुल अप करनी है। अब आपको सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एक साथ प्ले करना है और फिर स्लैप करके थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है, ठीक है। अब इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एक साथ प्ले करना है। आपको इसे चार बार और रिपीट करना है, ठीक है। और जो चौथी बार में वो पूरा रिपीट नहीं करना है, सिर्फ आधा ही रिपीट करना है, ठीक है। ऐसे एक बार ये दो हो गया, तीन बार, ये तीन बार हो गया, ठीक है। अब जो चौथी बार में आपको पूरा रिपीट नहीं करना है, सिर्फ यहां तक ही रिपीट करना है। इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पर हैमर ऑन करना है और इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग ओपन और सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट एक साथ प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से फर्स्ट फ्रेट पर पुल अप करना है, ठीक है। और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन और इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन एक साथ ले करना है। पार्ट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार ये पार्ट भी मैं आपको पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद का जो मेलोडी पार्ट है वो कुछ ऐसे साउंड करता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है और फिर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से थर्ड फ्रेट पर हैमर ऑन और फिर स्लैप करके सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करना है और फिर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से थर्ड फ्रेट पर हैमर ऑन करना है और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन और फिर स्लैप करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट प्ले करना है और फिर सेकंड स्ट्रिंग ओपन। अब इसके बाद सिक्स स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले करना है और थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर हैमर ऑन करना है और फिर स्लैप करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट और फिर से सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ठीक है। अब इसके बाद सिक्स स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करना है और फिर स्लैप करके सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। अब इसका आपको फिर से एक बार रिपीट करना है पर पूरा रिपीट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ यहां तक ही रिपीट करना है। अब इसके बाद आपको सिक्स स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग ओपन एक साथ प्ले करके थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर हैमर ऑन करना है और फिर स्लैप करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट और फिर सेकंड स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। इसके बाद सिक्स स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और फिर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एक साथ प्ले करना है। ये पार्ट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मैं इस पार्ट को भी पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको आपको फिर से एक बार रिपीट करके प्ले कर सकते हो और
इसके बाद जब मेलेडी पार्ट है वो भी जैसे साउंड करता है। अब इसके लिए आपको फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पर अपनी उंगली रखनी है और फिर फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एक साथ प्ले करना है और फिर स्लैप करके फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। अब इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन और सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से थर्ड फ्रेट पर एम अपन और फिर स्लैप करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट और फिर सेकंड स्ट्रिंग ओपन। अब इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन और फिर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एक साथ प्ले करना है और फिर स्लैप करके फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। अब इसके बाद आपको सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एक साथ प्ले करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट से थर्ड फ्रेट पर हैमर ऑन करना है, ठीक है, और फिर स्लैप करके सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फिर सेकंड स्ट्रिंग ओपन। फिर से फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन और फिर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एक साथ प्ले करना है और फिर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। अब इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से फर्स्ट फ्रेट पर पुल ऑफ ऐसे। अब इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन एक साथ प्ले करना है और फिर थर्ड स्ट्रिंग ओपन। इसके बाद थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट से थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पर हैमर ऑन और फिर से थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, ठीक है। तो अब हमारे ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस पार्ट को भी मैं एक बार पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद आपको हमने शुरुआत में जो सीखा था उसी को प्ले करके गाने को रिपीट कर सकते हो, ठीक है।